हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायर आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर बनी हुई खिचड़ी खाने के कुछ फायदे। जी हाँ, यूजुअली जब हम घर पर खिचड़ी बनाते हैं तो उसे ज्यादा अच्छे से नहीं खा पाते हैं। कहा जाता है कि खिचड़ी के अंदर स्वाद ज्यादा नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हम खिचड़ी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कितने पोषक तत्व प्रवेश कर रहे होते हैं। हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खिचड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नायरा आज अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कि घर पे बनी हुई खिचड़ी किस तरीके से आपके स्वास्थ्य को और भी ज्यादा अच्छा बना सकती है। नंबर वन, पोषक तत्वों से भरपूर होती है खिचड़ी। क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ताजी बनी हुई खिचड़ी के अंदर अगर आप घी डालकर उसका सेवन करते हैं तो ना ही सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि ये सेहत के लिहाज से भी काफी अच्छी रहती है। आप खिचड़ी के अंदर सब्जियां डालकर भी इसे और ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं। नंबर टू, ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित लोग भी खिचड़ी को बिना डरे खा सकते हैं। जी हाँ, ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित लोग जिन्हें गेहूं या फिर जौ खाने से एलर्जी होती है वो खिचड़ी का सेवन बिना डरे कर सकते हैं और उठा सकते हैं सारे पोषक तत्वों का भरपूर लाभ। टिप नंबर थ्री, शरीर के कई दोषों को दूर करती है खिचड़ी। जी हाँ, खिचड़ी एक ऐसा आहार है जिसे हम पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं। साथ ही साथ खिचड़ी का सेवन करने से हमारे शरीर के तीन दोष दूर होते हैं, वात पित्त, शोथ पित्त और कफ आदि। इन सबको दूर करने के लिए आप खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। खिचड़ी का सेवन करने से हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा भी आती है। नंबर फोर, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है खिचड़ी। जी हाँ, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, खाना खाने के बाद बहुत देर बाद खाना पचता है और खाना पचने में आपको काफी प्रॉब्लम होती है तो आप खिचड़ी के अंदर दही या फिर नींबू डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से खाना पचने में आपको काफी सहायता मिलेगी। टिप नंबर फाइव, प्रेगनेंसी के दौर में खाएं खिचड़ी। जी हाँ, जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो आपको उसे खिचड़ी का सेवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि नई माँ को हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए ताकि पेट में कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी कम हो। इसीलिए अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो आपको खिचड़ी का सेवन जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखा आपने घर पर बनी हुई साधारण सी खिचड़ी हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से अच्छा बनाती है। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत देती हूँ।